नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के कन्या राशि के दैनिक राशिफल की, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। 2 अगस्त 2022 मंगलवार का दिन है और श्रावण मास शुक्ल पक्ष आज पंचमी तिथि है, यानी आज नाग पंचमी का पर्व है। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी और अभिजीत मुहूर्त आज रहेगा दोपहर 11:57 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगा। आज का सूर्योदय सुबह 5:45 पे और चंद्रमा की स्थिति रहेगी। आज के दिन आपके स्वयं की राशि यानी कि कन्या राशि पे पूरे दिन और रात्रि चंद्रमा गोचर करेंगे आपके लग्न पर। आज का जो अशुभ समय होगा वह तकरीबन दोपहर 1:52 से लेकर दोपहर 2:57 तक रहेगा। इस अशुभ समय में कोई भी शुभ और नए कार्य की शुरुआत ना करें तो विघ्न बाधाएं आ सकती है। अब बात करते हैं आज के कन्या राशि के दैनिक राशिफल की और यह प्रश्न चंद्र राशि पर आधारित है। कन्या राशि के जातकों, आज 3 बड़ी खुशखबरी, खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि आज 3 बड़ी खुशखबरी को सुनकर खुशियों से झूम उठोगे। जी हाँ, कन्या राशि के जातकों, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि आज के दिन बिल्कुल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज आपको कैरियर में, बिजनेस व्यापार में, घरेलू जीवन में हर जगह से विशेष लाभ होगा और विशेष खुशखबरी प्राप्ति होगी। अपनों के साथ मिलने से भी आज मन काफ़ी उत्सुकता से भरा रहेगा। नौकरी में लाभ होगा, नौकरी में प्रमोशन होगा, नौकरी में जो दिक्कतें चली आ रही थी, जो भी परेशानियां चली आ रही थी वो दूर होंगी। विशेष व्यक्तियों से मुलाकात करने का मौका मिलेगा। अच्छे वातावरण का आज माहौल बना रहेगा। आज सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे कन्या राशि के जातकों। आज आपको धन संपत्ति का कुत लाभ हो सकता है, एक्स्ट्रा धन लाभ हो सकता है, रुके हुए तमाम कार्य पूरे हो सकते हैं। तेजी से आज अपने बिजनेस व्यापार को बढ़ा सकते हैं, बिजनेस व्यापार में रुका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। नौकरी में आज आपको बड़ी कंपनियों से ऑफर आएंगे, साथ ही आज सरकारी क्षेत्र में भी लाभ हो सकता है, सरकारी क्षेत्र में आपको प्रमोशन हो सकता है, सैलरी में वृद्धि हो सकती है, ये बड़ी खुशखबरी है। साथ ही आपके जो उच्चाधिकारी हैं, जो आपके बॉस हैं, वो आपके कार्य की सराहना करेंगे, आपके कार्य की सराहना करेंगे और आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट प्राप्त होगा, अधिक से अधिक लाभ देखने को मिलेगा। और कन्या राशि को रुका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त होगा, धन संपत्ति में अधिक से अधिक लाभ मिलेगा, व्यापार के मामले में काफ़ी लकी रहेंगे, धन की स्थिति मजबूत रहेगी और ऋण कर्ज को धीरे धीरे चुका पाएंगे। आज अगर किसी ने ले रखा था आपसे तो वो देगा, और अगर आपने किसी से ले रखा था तो आपके घर मांगने भी आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा विवाद की स्थिति ना बन जाए, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आज अनसुलझे मुद्दों को भी सुलझाने का काम करेंगे, कोई पीठ पीछे बुराई ना करे इस बात का ध्यान रखना होगा, कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश न करे इस बात का ध्यान रखना होगा। कन्या राशि के आज भागदौड़ बनी रहेगी, आज आपके दिनचर्या में परिवर्तन होगा, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, साथ ही साथ कुछ चहल पहल आपके घर में होगी शुभ कार्यक्रमों को लेकर, क्योंकि धर्म कर्म के कार्य होंगे, श्रावण का महीना चल रहा है। आज एक राजयोग और दो धनयोग का निर्माण भी हो रहा है, इससे आपको अधिक से अधिक लाभ होगा, धन संपत्ति का कुत लाभ होगा, कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से लाभ होगा, जो कार्य अभी तक अधूरे पड़े थे, पेंडिंग थे, उनमें विशेष लाभ होगा। तो लगातार आप जो चाह रहे हैं वो आपके प्रयास से आज आपको सफलताएँ दिलाएंगे। साथ ही साथ बता दें कि आज चूँकि मंगलवार का दिन भी है, इसलिए भगवान हनुमान जी की पूजा आराधना करें, भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें, क्योंकि श्रावण का महीना भी चल रहा है, तो इससे विशेष लाभ होगा। आज आप लगातार प्रयास करेंगे जिस काम में, उसमें सफलताएं प्राप्त होंगी। आज आपकी आमदनी का स्रोत बढ़ेगा, धन संपत्ति का स्रोत बढ़ेगा। आज आपको मित्रों का सहयोग प्राप्त हो सकता है, किसी करीबी मित्र और किसी करीबी रिश्तेदार का सहयोग प्राप्त हो सकता है, जिससे अधिक से अधिक लाभ देखने को मिलेगा। और कन्या राशि के जातकों, आज बैंकिंग के क्षेत्र में भी आज आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी लोन के रूप में, इस लोन के मंजूर होने से आपकी आर्थिक स्थिति और आपके वित्तीय मामले में खुशियां प्राप्त होंगी। इसीलिए कहा कि आज 3 बड़ी खुशखबरी में खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि आज खुशियां ज़्यादा मिलेगी। कन्या राशि को भागदौड़ भी बनी रहेगी, लेकिन आज परिश्रम करेंगे, जो मेहनत करेंगे उसका परिणाम बेहतर होगा। घर परिवार में शुभ मंगलकार हो सकते हैं, धार्मिक कार्यक्रम हो सकते हैं, धर्म कर्म के नाम पर खर्च कर सकते हैं, माता पिता के सेहत में सुधार होगा, और अभी तक जो स्वास्थ्य को लेकर कोई दिक्कतें थी आपके घर परिवार में, धीरे धीरे उसमें भी अब सुधार देखने को मिलेगा। तो स्थितियां काफ़ी बेहतर हो रही है, लाभ की स्थितियां लगातार बनी रहेगी और कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निर्णय लेंगे, जीवनसाथी का सपोर्ट मिलेगा, जीवनसाथी कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कन्या राशि को जीवनसाथी का सपोर्ट आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, जीवनसाथी के साथ काफ़ी मधुर संबंध बने रहेंगे। कन्या राशि को अभी तक जो समस्याएँ थी, जो दिक्कतें थी वो दूर होंगी,
संतान की प्राप्ति से मन में काफ़ी खुशियाँ प्राप्त होंगी, घर परिवार काफ़ी खुशी से झूम उठेगा, घर में आपको एक अलग ही माहौल देखने को मिलेगा, घर में खूब ढेर सारी मीठी मीठी बातें होंगी, एक्स्ट्रा धन लाभ हो सकता है, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय डिसीजन ले सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी काबिले तारीफ रहेगा, अच्छे माहौल का वातावरण का प्रवेश होगा, निश्चित तौर पर स्थितियाँ काफ़ी बेहतर होगी, लाभ की स्थिति लगातार बनी रहेगी, व्यापार में भी लाभ होगा और जो कार्य अधूरे पड़े थे, जो पेंडिंग थे, उनमें विशेष लाभ होगा, धन संपत्ति का तेजी से लाभ होगा, कार्य में वृद्धि होगी, लगातार जो प्रयास कर रहे हैं उसमें भी सफलताएँ प्राप्त होंगी, निश्चित तौर पर लाभ होगा और आज जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा, जीवनसाथी कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे, जीवनसाथी के साथ विवाद और तनाव की स्थिति खत्म होगी, आपसी तालमेल से बेहतर संबंध बनेंगे, प्रेम जीवन में खुशियाँ बढ़ेंगी, कन्याराज खतकों लव लाइफ अच्छी रहेगी, लव पार्टनर को कुछ गिफ्ट और उपहार देंगे, उनके साथ काफ़ी अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा, ढेर सारी खुशियाँ रहेंगी, एक दूसरे को कुछ गिफ्ट और उपहार देंगे, घूमने फिरने जा सकते हैं, तो किसी धार्मिक स्थल पर घूम फिर सकते हैं, शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, कीमती चीज़ खरीद सकते हैं, सोने चांदी खरीदारी कर सकते हैं जो अपने पार्टनर को भेंट के रूप में दे सकते हैं। कन्या राशि को शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े संस्था में दाखिला ले पाएंगे, बड़े संस्था में दाखिला लेने से भी मन में खुशियाँ रहेंगी और उच्च शिक्षा की प्राप्ति है तो आपको यानी कि इससे लाभ होगा, विदेश की यात्राएँ करेंगे, कंपटीशन या प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने का मौका मिलेगा और कन्या राशि को आज आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें जो शेयर करनी पड़ सकती है अपनों के बीच में। स्टूडेंट लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य में विशेष लाभ होगा, स्वास्थ्य का विशेष रूप से अलग ध्यान रखें, स्वास्थ्य आपका पहले से उत्तम होगा, धीरे धीरे सुधार होगा, स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां चली जा रही थी, आपके स्वास्थ्य को लेकर जो दिक्कतें थी अभी तक वो दूर होंगी, उत्तम सेहत का लाभ ले पाएंगे, आज बड़े बुजुर्गों का सहयोग की प्राप्ति होगी और आज आपको यानी कि कहा जाए तो कुछ ऐसे कार्य करने पड़ सकते, कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ सकते जो आपके लिए काफ़ी काबिले तारीफ रहेंगे। कन्या राशि को आज आपको करियर हो फिर बिजनेस व्यापार हो, महत्वपूर्ण डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, आज आपको मार्केटिंग क्षेत्र में विशेष लाभ होगा, एक्स्ट्रा धन लाभ हो सकता है, जमीन प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, नए घर का निर्माण करने के सोच सकते हैं या फिर अभी तक जो मन में प्लानिंग कर रहे हैं बिजनेस व्यापार की उसे करूँ या ना करूँ आज आपको करने पड़ सकते हैं। हालाँकि विशेष रूप से कुंडली का विश्लेषण करके करें तो ज़्यादा लाभ होता है। तो कन्या राशि को आज का दिन काफ़ी विशेष रहेगा, आज आपका दिन बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहने वाला है। कन्या राशि को आपसे एक बात बोलेंगे कि देखिए अगर आप हमें फेसबुक में फॉलो करना चाहते हैं तो आप आचार्य जागेंद्र मिश्रा सर्च करिए और हमें फॉलो करिए और जुड़ जाइए हमारे फेसबुक से। और दोस्तों बता दें कि आज के दिन काफ़ी विशेष रहेगा कन्या राशि को और आज लाभ की स्थिति लगातार बनी रहेगी, आज आपका शुभ रंग रहेगा कन्या राशि जातकों, आज मेहरून कलर और भाग साथ निभा रहा आपका तकरीबन यानी कि 85%। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय शनिदेव।